और कैसे हो मेरी माताएं बहनों मेरे भाइयों, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। हरिद्वार से आने के बाद मेरा भी कलर काफी डाउन हो गया भाई, कावड़ लेके आने के बाद टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है और पहली वीडियो है, कम से कम 10-12 दिन के बाद ये वीडियो आ रही है। वीडियो मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा अच्छी हो, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो भी इसका ये टाइम पीरियड खाली गया है ना वो टाइम पीरियड आपका कवर कर दे ये वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिद्धि पे, एक ऐसी साधना पे जो हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी को जानना जरूरी है, क्योंकि लाखों लोग, मेरी लाखों बहने, लाखों मेरी माताएं और मेरे छोटे छोटे भाई, बड़े भाई मेरे सारे इन सिद्धियों के चक्कर में, ये साधना के चक्कर में अपने आप का, अपने आसपास का, अपने आने वाली फ्यूचर का, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। एक टॉपिक बिल्कुल आज ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भाई प्रेतराज सरकार की सिद्धि हम किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको खुश कर सकते हैं, किस तरीके से मना सकते हैं। पहले आपको जानना होगा कि प्रेतराज सरकार है कौन, किस तरीके से इनकी सिद्धि होती है और ये क्या क्या कार्य करने में सक्षम है, पहले आप ये जान लो। क्योंकि सिद्धि तो हर कोई कर लेता भाई, पर वो सिद्धि हमारे लिए फायदेमंद है या हमें नुकसान देगी आने वाली जिंदगी को, हमारे बच्चों को तो परेशान नहीं करेगी, ये जान के ही सिद्धि की जाती है। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा विकास दहिया दिल्ली दरबार से, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके और जो भाई रोड पे सोते हैं उनके लिए खाने पीने तक काम इंतजाम कर सके। और हाँ, साथ में अगर आप बेल आइकन भी दबाते हो, जब जब हम लाइव आएंगे, लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी समस्या का भी हमसे समाधान ले सकते हैं। समस्याएं कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिन्द मसान को बंधन, क्रिया बंधन, व्यापार बंधन, किसी भी प्रकार की दिक्कत क्यों ना हो, आप हमसे लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। और एक बात और, मेरी जितने भी कवारी कन्याएं हैं, कवारी बहनें हैं, छोटी बच्चियां, उनका इलाज दरबार में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, कोई उनसे शुल्क नहीं लिया जाता, बस सामान का जो होता है वो आप अपनी तरफ से लेके आ सकते हो। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार निराला सारे जग ते प्यारा, सारे भूत प्रेत होवे दूर, बालाजी ऐसी कृपा कर दे जीते जी। प्रेतराज सरकार जो प्रेतों के राजा कहलाते हैं, जिनके नीचे जिंद हो गया, भूत होगा, प्रेत होगा, ये सारी शक्तियां कार्य करती है। कहे तो वैसे हमारे जो इतिहास कहता है ये एक सात्विक देवता है भाई जी, प्रेतराज सरकार जो रावण की सेना में थे और नीलासुर के नाम से राक्षस थे, और जब हनुमान जी ने लंका दहन की थी तो हनुमान जी की सेना में आ गए थे और हनुमान जी ने इनको मेहंदीपुर के दोसा दिले में स्थापित कर दिया था। भाई जी जाओ आप वहां की बागडोर संभालो, और वहां के ये राजा कहलाए थे। पर आजकल नहीं, जो हमारी जनरेशन आ रही है, नए नए भगत जो आजकल हो गए हैं, जो अपने आप को माता का रूप बताते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं खुद ही माँ काली, खुद ही मैं दुर्गा हूं, खुद ही मैं चंडी हूं, ऐसे कई आजकल भगत आ रहे हैं भाई। आजकल कई ऐसे भगत भी आ रहे जो खुद अपने आप को हनुमान जी बताते हैं, कई ऐसे आ रहे जो अपने आप को शिव जी बताते हैं। इन भगतों ने प्रेतराज सरकार की सिद्धियों का मतलब ही बदल दिया है। अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई सिद्धियां होती क्या है। अच्छा, प्रेतराज सरकार को मनाना आपको पहले डिपेंड करना होता है कि आपको प्रेतराज सरकार चलाने किसके साथ है। ये दो ही शक्तियों के साथ चलते हैं भाई प्रेतराज सरकार, भैरव जी के साथ, बाबा काल भैरव जी के साथ और हनुमान जी के साथ। ये दो शक्तियों के जोड़े में चलने वाली एक शक्ति है भाई प्रेतराज सरकार। ये पूर्ण रूप से सात्विक रूप से भी चलते हैं, ये तामसिक रूप से भी चलते हैं। तामसिक रूप में अगर आपको चलाना है तो इनको आपको जोड़े में भैरवनाथ जी के चलाना होगा, और आपको सात्विक रूप से चलाना है तो आपको इनको हनुमान जी के जोड़े में चलाना होगा। अगर आप इनको चाहो कि मैं भाई भैरवनाथ को तामसिक पे रख रहा हूं और मैं प्रेतराज को सात्विक पे रख लूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों शक्तियों को आपको तामसिक रखना होगा, या फिर आपको हनुमान जी की सिद्धि करते हो तो जब भी आप प्रेतराज की सिद्धि कर सकते हो जब आपको सात्विक रखना होगा। तो पहले समझना होगा कि आप क्या अकेले प्रेतराज सरकार की सिद्धि कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं भाई। गलती मत करना कि आप डायरेक्ट प्रेतराज सरकार की सिद्धि करो, क्योंकि प्रेतराज सरकार की सिद्धियां पहले आपको उच्च कोटि की शक्तियों पर जाना होगा भाई जी। या आप हनुमान जी की सिद्धि कीजिए, या फिर आप भैरवनाथ जी की सिद्धि कीजिए, या फिर आप मां काली की भी सिद्धि कर सकते हो, मां काली के भी जोड़े में इनको चला सकते हो भाई जी, मां काली की सिद्धि करके। क्योंकि जब तक आपके पास एक उच्च कोटि की शक्ति नहीं होगी ना, तो ये आपके जो प्रेतराज की सिद्धि है, अगर आप बिना गुरु के, बिना नेतृत्व के आप करते हो, तो भाई प्रेत, देखो आपको मैं बताता हूं, पहले समझने की कोशिश करना जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको।
प्रेत होता गया। आज ये कोई आदमी एक शरीर का त्याग कर देता तो प्रेत योनि में जाता, उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। उसके बाद जब भाई अगर उसने जीते जी कोई भक्ति की हो या कोई उन्हें साधना करके तो वो देव योनि में चली जाती है। इसी तरीके जो आजकल मरते अकाल में क्यों मर गया वो प्रेत योनि में जाते हैं। जब पितर हमारे बनते हैं जब तक हम उनको सिद्ध नहीं कर लेते शुद्ध नहीं करवा लेते तो जब तक भी वो हमारे पितर होते वो प्रेत योनि में ही होते हैं। तो आपके पास जब एक प्रेत योनि में प्रेत हो और आप प्रेत सरकार की सिद्धि कर रहे हो तो आपके पास कौन सा प्रेत आ रहा है वो डिपेंड करता भाई जी। इसलिए कहते हैं कि कोई भी अगर आप सिद्धि कर रहे हो तो अपना एक सुरक्षा चक्र बना के आपको सिद्धि करनी है। अगर आपको तामसिक प्रेत लेना है तो आपको पहले भैरवनाथ की या मां काली की साधना करनी पड़ेगी। सात्विक प्रेत लेना है तो भाई आपको पहले बालाजी की सिद्धि करनी पड़ेगी। प्रेत राज जो होते हैं प्रेत जो होते हैं वो किस किस कार्य को करने में सक्षम है, किसी का रुका हुआ कार्य को सिद्ध कराना हो, किसी घर में भूत प्रेत हो उनको मार लगवानी हो, संकट कटवाना हो, पर ये कभी भी अकेले कार्य नहीं करेंगे भाई। पहले बता रहा हूं अकेले अगर आप प्रेत राज की सिद्धि करते हो नुकसान क्या क्या देंगे पहले मेरी बात भी सुन लेना। आपके घर में कोई बायर बेटी होगी उसके साथ गलत संबंध बनाने लग जाएंगे, पूर्ण रूप से आप इसको जिंद का ही दूसरा रूप कह सकते हो, जिंद का ही दूसरा रूप कह सकते हो। अब मैं आपको बताने कह रहा हूं अगर आपके घर में बहन बेटी है उसको दुख देने लग जाएंगे, कोई छोटी कन्या है उसको दुख देने लग जाएंगे, गलत सपने आने लग जाएंगे, दारू का सेवन ज्यादा हो जाएगा। जब तक आप इनको सिद्ध नहीं कर लेते, मतलब मान के चलिए आज आपने कोई प्रेत सिद्ध कर लिया और इनके ऊपर आपने कोई उच्च कोटि की शक्ति नहीं बिठाई और आपका कोई गुरु नहीं है जब ये कार्य होंगे, अगर आपका कोई गुरु है और आपके पास उच्च कोटि की शक्ति है तो उच्च कोटि की शक्ति इनको अपने नीचे ले लेती है और इनसे कार्य लेती है, इनसे भी भगत कार्य लेते हैं। और आपको एक अच्छा प्रेत सरकार का दूत चाहिए तो मेहंदीपुर बालाजी से मिल जाएगा आपको, सात्विक दूत मिलता है। अगर आप दूत महाराज प्राप्त कर लेते हो तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई जी। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मेहंदीपुर बालाजी से अगर आप प्रेत सरकार का दूत प्राप्त कर लेते हो तो प्रेत सरकार के साथ भंगीवाड़ा के दूत भी चलते हैं। अब भंगीवाड़ा क्या होता है भाई, भंगीवाड़ा के अंदर आप मान के चलिए आज मेरी माता बहने भाई आप किसी पे गए चौकी आप किसी के घर में बैठ के पूजा कर रहे हो पाठ कर रहे हो वहां पे आपको कोई नजर पड़ गई कोई भूत है प्रेत है नेगेटिविटी है, आप उसकी जो आपकी शक्ति है वो पकड़ लेती है। अब वो जो पकड़ ली नेगेटिविटी वो आपको परेशान करने लग जाएगी। अब आपको परेशान कर दिया तो मैं क्या करूं यार मैं दुखी होगी उसका संकट उसके घर में गई थी मैं दुखी होगी मैं फलाना गई होगा नहीं। फिर उसके बदले जो आपका जो प्रेत का दूत है ना वो उस भूत को पकड़ के और दुख को पकड़े नेगेटिविटी को पकड़ के भंगीवाड़ा में कैद कर देगा। मेहंदीपुर से प्रेतराज के दूत लेने का ये फायदा है, आपको साथ में भंगीवाड़ा के दूत भी मिल जाते हैं जो भाई दूतों को पकड़े जाएंगे और भंगीवाड़ा में कैद किए जाएंगे, उसका भार आपके ऊपर नहीं आएगा। कभी भी आप एक चीज देखना जितने भी मेहंदीपुर बाबा के बालाजी जाते हैं इनके भगत है मेहंदीपुर इनके शरीर पर कभी भार आता ही नहीं भाई, क्योंकि इनको तरीका पता होता है। ये संकट भी मेहंदीपुर बालाजी में जाके काटते हैं, क्यों काटते हैं क्योंकि वहां से कोई नेगेटिविटी उल्टी नहीं आती, शरीर पे भार नहीं होता। और आजकल घर घर में चौकी लगा दी दो नींबू काट देते हैं संकट काट दिया पूरे परिवार को उसके बारे में समस्या आने लग जाती है, ये सबसे बड़ा गलत हो रहा भाई जी। कुछ पैसों के लालच में कुछ गुरुओं के ज्ञान की वजह से आप अपने घर में ही संकट को काटने लग जाते हो। आज वो संकट आपको परेशान नहीं करेगा पर आने वाले समय में जब आप नहीं रहोगे आपके बच्चे होंगे वो चौकी लगाए या ना लगाए आने वाला समय और कितना बुरा आएगा पता नहीं भाई। जब वो परेशानी आपके आने वाले समय के आपके आने वाली पुश्तों को भी परेशान करेगी भाई, जितने संकट आपने कैद कर रहे हो ना अपने घर में वो भूत बंगला कहलाने लग जाएगा भाई, भूत बंगला। क्योंकि आप एक वैवाहिक जीवन में हो आपका अंतिम संस्कार होगा, आप उस जगह को जिस जगह पे आपका घर है उसको जिंदगी भर आप सही अच्छी तरीके से नहीं रख सकते, उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि आपने पहले वाले बाबा देखे थे ना वो समाधि लेते थे, समाधि लेते थे क्योंकि समाधि बना दी जाती थी समाधि पे, क्यों क्योंकि वहां पे एक शक्तिपीठ हो जाता था उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं देते थे वहीं पे शक्तिपीठ पे बिठा दी जाती थी। और आपकी तो मुक्ति भी होंगे फूल भी उठाए जाएंगे गंगा जी में प्रवाहित भी होगा आपका हवन भी होगा तेरहवीं भी होगी सत्रहवीं भी होगी भाई। तो आप अपने घर में संकट काटने की बिल्कुल भी गलती मत करना इन चौकियों के चक्कर में। सबसे पहले मैं बता रहा हूं अगर आने वाले जीवन में अपने बच्चों की खुशी चाहते हो तो ये और चौकी वाले जो अपने घर में ही संकट काट रहे हैं अपने घर में ही सारी चीज कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करना। हाँ आप एक स्थान ले लीजिए गुग्गा मेरी चले जाइए गोरख किला चले जाइए आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए या मां शीतला के मंदिर में चले जाइए, आपकी संगत में 10 बंदे इकट्ठे हो 10 का आप बंधन कर दीजिए रोकथाम कर दीजिए फिर माता चौगान के चरणों में ले जाके वहां पे संकट को उतार के दे दीजिए। स्थान पे काटो घर में काटने की गलती मत करो बस।
अगर घर में काटोगे तो नेगेटिविटी का शिकार आज ना तो कल आपको होना पड़ेगा। या तो फिर आप अपने घर में एक बंदे को ट्रेंड करो, अगर आपको घर में ही काटने है ना तो एक बंदे को ट्रेंड करो कि चल भाई तेरे साथ के साथ भक्ति सिखाते रहते हैं, कोई दिक्कत हो परेशानी तो उसको संभाल लेना, जो सिद्धि आज आप कर रहे हो वो सिद्धि उसको भी कराओ, वो सारी चीज कराओ। जब भी आप भक्ति लाइन में अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाओगे, आपका एक एक स्टेप आगे आपको रास्ता खोलता चले जाए। आपने कई बार देखा होगा भाई भक्ति कर रहे थे पर संकट ये आपके ऊपर हैवी होने लग गया, वो पता क्यों होता है? मान के चलना, आज मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बंद मुट्ठी लाख की होती है, खुली मुट्ठी के कुछ नहीं होता। आपने कहा सुनी ना, एक लकड़ी निकले तो कोई भी तोड़ देगा, पर लकड़ी का गुच्छा हो जाए उसको कोई नहीं तोड़ पाता। मान के चलिए आज आपने कोई सिद्धि कर रखी है और आपने 10 संकटों को काट दिया कट गए, 20 काट दिया कट गए, 50 को काट दिया कट गए, पर जब वो 100 हो जाएंगे 150 हो जाएंगे तो संकट इतने भार हो जाता है कि वो आपके ऊपर हैवी हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा ना कि भक्तों के ऊपर भाई अटैक हो गया किसी भूत का, भूत प्रेतों का अटैक नहीं होता, जो संकट को काटता 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 अपने नीचे दबा लेता है ना शक्ति के, और संकट जब हैवी हो जाते हैं 100-150 हो जाते हैं, मौका देख के एकदम चुक्का मार देते हैं, मौका देके चुक्का मार देते हैं। भाई भक्ति का ज्ञान होना जरूरी है, संकट का उतारा कभी भी घर में मत करना, वरना आपने भक्तों के हाल देखे होंगे, पहले भी उस भगत के अटैक हो गया था उस भगत। और एक चीज बताओ, किसी दूसरे के उतारी हुई शक्ति, आजकल जो नए नए भगत है ना वो भाई मुझे शक्ति आज आप वीडियो भी देख रहे हैं, मुझे तो इसकी शक्ति पसंद आ गई, मैंने इसकी शक्ति उतार ली, मैंने इसकी शक्ति पसंद आ गई इसकी उतार ली। जब आप संगत में जब लालच आ जाता, शक्तियों का लालच आ जाता, आज इसकी उतार ली, कल उसकी उतार ली, परसों उसकी उतार ली, वो शक्तियां जो उतार रहे हो ना उसको आप मजबूरी में जो कार्य करवा रहे हो वो शक्तियां इकट्ठा होकर भी अटैक मार देती है भाई, समझो। मैं भक्ति लाइन को जब तक कुछ समझ आएगा ना भाई, उतारा करो, स्थान पे बैठाओ, ऐसे स्थान पे बैठाओ जहां से वो वापसी ना पाए। अरे भाई एकदम से उतारने की गलती मत करो, आज आप उतार लेते हो आपका गर्म खून है, जवान हो आप, मेरी माता बहने सारी चीज है, जोश है, थोड़ी देर बाल घुमाए किसी का संकट काट दिया और सोचो आप भाई माता काली बन गए, नहीं, माँ काली की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता भाई, इतनी औकात नहीं इस दुनिया की जितना पाखंड आज फैला रखा है। इस पाखंड को बंद करो, और लोगों के यूट्यूब पे बता रखा भाई मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, बंद करो भाई, इन्हें कुछ नहीं रखा, एक अच्छे तरीके से दरबार चलाओ, एक अच्छा धर्म का आप प्रचार करो, सिद्धियां करो, मैं कहता हूं सिद्धि करो, और सिद्धि करने में ना हंगे लगते जोटे लगते हैं, किसी को माँ काली की सवारी एकदम नहीं मिलती। आपने सोचो भाई माँ काली की सवारी मिल गई, मेरे को दरबार लगाते आज 5 साल हो गए, 3 साल में तो स्टार्टिंग में जब थे ना मेरे को ये नहीं पता होता था कि शक्तियां होती क्या है, मैं मंत्र जाप करता था, अब धीरे धीरे शक्तियां मिली, धीरे धीरे मेरे को साधनाएं मिली, धीरे धीरे मेरे को दूसरे का पता लगने लग गया, और आजकल नए नए बच्चे आ रहे आके दरबार लगाते हैं, ये कहते भाई मेरे को सिद्धियां मिल गई। अरे भाई ये भूत प्रेतों के जो आप दरबार चला रहे हो ना आप चलाओ, हम ये नहीं कहते कि मत चलाओ, आपको कोई सिद्धि है छोटी मोटी आप करो, मैं ये भी नहीं कह रहा क्या क्या नहीं, आप मुर्गा देके मच्छी देके आप किसी का भूजा दे देते हो दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर जिनको घर में मुर्गा नहीं कटता, बलि नहीं दी जाती, उनके घर में मुर्गा मच्छी मत कटवाओ। आप अपने स्वाद के चक्कर में, अपने उसके चक्कर में दूसरे की जिंदगी बर्बाद मत करो, और काफी लोग इसी चक्कर में फंसते आ रहे हैं और इसी चक्कर में लाखों लोगों के घर भी बर्बाद हो रहे हैं। भाई चौकी चलाने का एक नियम होता है, एक परहेज होता है, एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से कार्य करोगे और उस तरीके से आगे बढ़ोगे तो भाई आपका भगत कहते ना भाई मैं तो भक्ति करता हूं चौकी लगाता हूं मैं तो परेशान हो गया, भाई परीक्षाएं हमारी भी होती है। मैंने कल की वीडियो में बताया था, मैं जब हरिद्वार से आ रहा था मेरी 10 किलोमीटर में कैसी परीक्षा हुई थी, मैंने भी बताया भाई 10 किलोमीटर में 12 घंटे 15 घंटे में निकले थे, मेरी गाड़ी की कैसी परीक्षा हुई थी। हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है आज पैसे नहीं है कल हमारे पास पैसे हो गए, हमारी भी परीक्षा होती है भाई, पर परीक्षा एक दो भगवान से ही प्रार्थना करो, बाबा मैं तेरी परीक्षा में पास नहीं हो सकता, मेरी परीक्षा मत लो, मैं अज्ञानी हूं मैं पापी हूं मुझे बस अपने छत्तर छाया में रखो, इतनी प्रार्थना आप डेली करोगे ना तो आपके जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आप भक्ति करो शक्ति मिलेगी, भावना दिखाओ भाव मिलेगा, अगर आप भावना दिखाओगे भगवान के प्रति तो आपको भी कुछ ना कुछ देगा भगवान, खाली नहीं छोड़ेगा। पर आज के समय आप भावना तो दिखाते नहीं, भगवान माता काली मेरा काम कर दे ले अपने अंडे का भोग, क्या भाई ये क्या है, आप भोग देके अपना कार्य करवा रहे हो तो वो बात होगी भगवान को रिश्वत देने की। आज हमारा ये कलयुग में इतना करप्शन हो गया ना कि बिना रिश्वत के कुछ काम होता ही नहीं, और यही फार्मूला हमारे लोगों ने भगवान के प्रति भी अजमा लिया कि भाई भगवान जी आप मेरा काम कर दो आपको ये दे दूंगा, भगवान जी आप एक, भगवान पहले कहते थे कि भाव से चलते हैं, पूत कपूत सुने है परमाता सुने ना कुमाता,
माता को भी पापी बता दिया इन भक्तों के ने, इन भक्तों ने माता को भी क्यों बना दिया पता है, अरे माई मेरा काम कर दे, मम्मी काम कर दे, तेरा खड़ा ही लेकर हुआ है, ऐसे ऐसे भक्त लालच देते हैं माई रानी को, है ये माँ भाई कल को अपनी माँ को भी कह देना माई रानी बेटे, अपनी माँ से कह देना माँ मेरा ब्याह करवा दे, तेरे सूट पड़वा दूंगा माई रानी, मेरी बहू का किला नाम करवा दे, तेरे कड़े बनवा दूंगा, ऐसे ऐसे लालच अपनी माँ को भी तो देते है ना भाई, बात कर भी मेरे पास सच्ची है भाई, मैं रियलिटी बोल रहा हूं, आजकल बिना रिश्वत के काम भी नहीं होती, कोई काम नहीं बनता, रिश्वत तो आपने देने की आदत डाली दी है, पर भाई भाव जगाओ, श्रद्धा जगाओ, विश्वास जगाओ और अच्छी तरीके से है ना अपनी भक्ति करो, मैं तो यही कहूंगा। और देखो थकावट मुझे भी है पूरी तरीके से, थकावट मेरी भी नहीं उतरी है, दो चार दिन में मैं भी रिकवर कर जाऊंगा भाई, पैरों में छाले अभी तक नहीं चला जा रहा मुझ पे, फीवर है मेरे को कंटिन्यू, थोड़ा बहुत रहता है, पर अब दवाई लेके आया हूं मंदिर में दरबार में, अपना पूजा पाठ करूंगा अभी, अपनी जरूरत करूंगा और मिलूंगा भाई आपसे, अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना भाई, कौन सी बात मेरी इस टॉपिक पे अच्छी लगी आपको, कौन सी नहीं लगी कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आपने मेरी वीडियो का वेट किया नहीं किया ये भी आप बताना भाई जी, एक बार माइंड सेट हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर और अच्छी तरीके से डीपली आपको समझाऊंगा भाई जी, तो कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत कुछ है, और आप लोग प्यार लुटाते हो तो भाई आज आगे पे आगे आ रहे हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी लेके आ रहे हैं, आप लोगों की आंखें खोलता रहूंगा, बस आपको जरूरत है तामसिक भोग के खिलाफ जाने की, तामसिक भोग को बंद करो बंद करो बंद करो, तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।